हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफ़र, सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए इडुटेरिया का जो करंट अफेयर की नई पुस्तक आई है, जो कि अर्धवार्षिकी है 2023 की, इसमें घटना दिया गया है जनवरी 2023 से जून 2023 तक। इसमें घटना दिया गया है, इसमें कुल प्रैक्टिस सेट दिया गया है 12 प्रैक्टिस सेट। इस 12 प्रैक्टिस सेट का हम डिस्कशन कराते हैं, जिसमें से अभी तक हम आपको 7 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। आज हम आपको 8वां प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन कराने वाले हैं। डेली इसका आपको प्रैक्टिस सेट का 4:30 बजे लाइव डिस्कशन मिलता है। अगर आप 12 प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको किसी भी एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें अगर 10 क्वेश्चन आपसे पूछता है तो इस प्रैक्टिस सेट से 7 से 8 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है ये पूरा 6 महीना का घटना को संकलित किया गया है। किसी भी एग्जाम को देने जब जाते हैं तो उसमें 1 साल के अंदर का क्वेश्चन पूछता है, तो इस प्रैक्टिस सेट में 6 महीना का है। और 2 महीना आगे एग्जाम अगर आपका है तो 2 महीना आगे का पढ़ना होगा, और 2 महीना पीछे पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 महीना आगे और पीछे का छोड़ दिया जाए तो 6 महीना अगर दिया गया है तो 6 महीना से 7 से 8 क्वेश्चन आने की संभावना जरूर रहेगी। तो इस वजह से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हम अलग से प्लेलिस्ट बना दें, आप वहाँ से इसको बार बार देख के इसको रिविज़न करके जाइएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछ दे तो आप बना पाएँ। आइए देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम देखने वाले हैं। अगर 7 तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन है जिसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि उससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि आसानी से आप लोगों को दिखाई दे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, DGCA रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है। बताना है आपको कि DGCA रिपोर्ट जो जारी किया है वह दुनिया का सबसे अधिक महिला पायलट किस देश में है। तो यह जो सबसे अधिक महिला पायलट जो है वो भारत में है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य मन स्वास्थ्य घर अभियान के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए डैश में साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। यह जो आयोजन किया गया था यह नई दिल्ली में किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस IIT के 2 छात्रों नियति तोतला और नील कल्पेश कुमार पारिक ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक और 10 लाख UAE दिरहम का पुरस्कार जीता है। यह जो पुरस्कार जीते हैं यह IIT इंदौर के, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 की पहली संस्कृति कार्य समूह CWG की बैठक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की मेजबानी में कहाँ में आयोजित की गई है। यह जो आयोजित की गई है यह खजुराहो मध्य प्रदेश में किया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा 15 से 17 फरवरी 2023 तक विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है। यह जो आयोजित किया गया है यह फिजी में किया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। यह पहली भारतीय महिला जो बन गई हैं यह दीप्ति शर्मा बनी है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में WHO ने किस देश के मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है। यह जो पुष्टि की है इक्वाटोरियल गिनी में किया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने मरसोदा भू विरासत स्थल और भू अवशेष संरक्षण और रख रखाव विधेयक 2022 अधिसूचित किया है। यह जो अधिसूचित हुआ है खनन मंत्रालय, खान मंत्रालय ने किया है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, सॉरी ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। यह जो चुना गया है यह ABK प्रसाद को चुना गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता है। यह जो ई प्रिक्स रेस जो जीते हैं वह है जीन एरिका वार्गेल, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने ईगल 44 कोड नेम वाले अपने पहले अंडरग्राउंड एयर फोर्स बेस का अनावरण किया है। यह जो आवरण किया है वह हो गया ईरान ने, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जीएसआई ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सलाल क्षेत्र में 5.9 मिली टन लिथियम के विशाल भंडार की खोज किया है? यह जो खोज किया है यह आपको जम्मू कश्मीर में किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्री सुरक्षित क्षेत्र के फंडिंग गैप में समाधानों पर चर्चा करने के लिए किस देश ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संरक्षित क्षेत्र कांग्रेस की मेजबानी की है? इसकी मेजबानी जो किया है कनाडा ने किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2023 में जारी FAO/STAT के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो पहला स्थान है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया था? यह जो प्रदान किया था ऑपरेशन दोस्त के तहत किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9 फरवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का शुभारंभ किया है? यह जो शुभारंभ किया है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेकअप किया है? यह जो पहली बार किया है यह किया है INS विक्रांत पे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्काई एयर द्वारा विकसित देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई UTM का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? इसका आवरण जो किया गया है यह किया गया नितिन गडकरी के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर कास्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है? यह जो वृक्ष संपदा योजना जो शुरू किया है यह किया है छत्तीसगढ़ ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रियाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं? यह जो बनी है सऊदी अरब की। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? आपको बताना है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह जो उद्घाटन किया गया यह मुंबई में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं इसमें जो कथन दिया गया। पहला दिया गया इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया, जो कि सही है। अगला, पदक तालिका में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर आया, ये भी सही है। अगला, इसका शुभंकर हिम तेंदुआ था, जो कि ये भी सही दिया गया। तो उपयुक्त सभी सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन जो किए हैं कटक में किए। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है? तो यह जो सर्वेक्षण शुरू किया गया है यह किया गया झारखंड में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स च्वाइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह जो हासिल किया है यह गुजरात राज्य किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से निम्नलिखित में से किस राजनेता को सम्मानित किया गया है? यह जो सम्मानित किया गया वह डॉक्टर मनमोहन सिंह को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान H2ICI लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया है यह रिलायंस इंडस्ट्री और अशोक लेलैंड किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीतकार डैश ने अपने विश्व स्तर पर प्रशासित एल्बम डिवाइज टाइट्स विद रॉक लीजेंड स्वीट्स कोपलैंड के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत के इतिहास रच दिया। यह जो है इसका आंसर जो हो जाएगा रिकी केज हो जाएंगे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित याया त्यो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है?
यह जो प्रस्तावित किया गया वो लद्दाख में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए निर्धन के संबंध में कौन सुमेलित है। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित है। पहला दिया गया कसीना धुनी विश्वनाथ जो कि फिल्मकार थे, सही है। अगला है गायिका वाड़ी जयराम पक्ष गायिका थी, यह भी सही है। अगला परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें बताना है कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिया गया पद्म लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गए, जो कि सही दिया गया है। अगला देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो कर्नाटक में चुनाव आयोग के ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मंजमा जोगाती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकन के रूप में चुना गया था, यह भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैनुएला रोका बोटो निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो यह जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इक्वेटोरियन गिनी की बनी है, इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत काल निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। यह जो चुना गया है बॉम्बे जयश्री को चुना गया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डैश में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है। यह जो आधारशिला रखी है यह रखें तुमकुरु में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, तुमकुरु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 73 साल बाद अपना स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में किस देश के चीफ जस्टिस सुदेश मेनन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। यह जो शामिल हुए थे यह सिंगापुर के रहने वाले थे, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह जो उद्घाटन किए हैं यह तुमकुरु कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ पर किए हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है। यह जो हस्ताक्षर हुआ है यह हुआ कांगो गणराज्य के साथ, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस वर्ष भागीदार देश या संगठन या राष्ट्र कौन सा है। यह जो है SCO है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वाले राज्यों में की सूची में सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर जो है ये महाराष्ट्र हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन तीन देशों ने 4 फरवरी 2023 को परमाणु ऊर्जा का सहयोग करने और हिंद महासागर क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग पहल का औपचारिक रूप से देने का साझा इरादे की घोषणा किया है। यह जो घोषणा किया है यह किया भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। यह जो प्रदान किया गया है लुइस कैफ्रेली को दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, लुइस कैफ्रेली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है। यह जो स्टैचू ऑफ नॉलेज का आवरण किया गया है यह किया गया है लातूर महाराष्ट्र में, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्रधानमंत्री PVGT विकास मिशन की घोषणा की गई। इस मिशन के तहत डैश समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष आवंटित किया गया है। यह जो आवंटित किया गया है यह हो जाएगा आपको कमजोर जनजातीय समूहों के लिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों को मदद करने के उद्देश्य से कौन सा ऑपरेशन चलाई गई है। यह जो ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन सद्भावना है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सूची में 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान पर रहे हैं। यह जो रहे हैं नरेंद्र मोदी ने रहे हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
डैश हरित बॉन्ड जारी करने वाले देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? यह जो शहरी निकाय बना है इंदौर बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कांगड़ा चाय को GI टैग प्रदान किया गया है? यह जो GI टैग प्रदान किया गया है यह हिमाचल प्रदेश को किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन सा रहा है? तो यह थीम देश जो होगा यह होगा आपको भारत। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किए हैं? यह जो अनावरण किए हैं यह बेंगलुरु में किए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन में आयोजित गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने TV सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल श्रेणी में इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार हासिल किया है? यह जो हासिल किया है भारत ने किया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।